ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआरएस के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है, जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कई बार एग्जाम में सीधे तरीके से जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आपको ऑल्टरनेटिव मेथड से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है, ठीक है, ताकि आपके नंबर बढ़ सके। वही सारी चीज़ें हम लोग जो है इस पूरे के पूरे सीरीज में देखते हैं, ठीक है ना। तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको अपना स्कोर कम टाइम में इंक्रीज करना है 160, 170, 180, 190 इस रेंज में लेकर के जाना है, और आप अगर सीरियस हो ये चीज़ करने के लिए, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फॉर जेई मेन 2023 में एनरोल कर लो जल्दी से जल्दी। इससे क्या होगा, इस कोर्स के थ्रू आपको पूरा चीज़ समझाया जाएगा कि आप किस तरीके से साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स को यूज़ करके कम टाइम में अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो, क्या लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशन हमारे पास में होते हैं जिससे कि अपना नंबर बढ़ा सकते हो, क्या हमारे पास में ट्रिक्स होते हैं, ट्रिक्स के एप्लीकेशंस पूरे लेटेस्ट पेपर्स में आपको दिखाए जाते हैं, ठीक है, लास्ट एक दो साल के जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सब में आपको दिखाया जाएगा किस तरीके से आपको ट्रिक्स का एप्लीकेशन करना है, किस तरीके से आप स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो, ट्रिक्स के सारे थ्योरी, ट्रिक्स के सारे एप्लीकेशन, पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट आपका इस कोर्स के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एकदम नेक्स्ट लेवल को एक्सपीरियंस करना चाहते हो और अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है। ऑलरेडी 250 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस कोर्स में एनरोल कर चुके हैं एंड तेजी से इसके अंदर में एनरोलमेंट बढ़ रही है। आप लोग जल्दी से इसके अंदर में एनरोल करके अपना फायदा उठा सकते हो। एनरोल करने का प्रोसेस बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया रहेगा, उस पर क्लिक करो, सारी डिटेल्स पढ़ो, फिर अपने डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो एंड फिर रिलैक्स करो, आपको डिजिटली सारी चीजें सेंड कर दी जाएंगी। कोई अगर आपके मन में क्वेरीज रहता है तो आपको व्हाट्सएप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो एंड जो भी आपके क्वेरीज है उसको पूछने के बाद में आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बट जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, मेक श्योर करना कि आप इस कोर्स में एनरोल कर लो। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिया है जहाँ पर मैं आप लोगों को यार तुक्का मारना सिखाऊंगा, इंटेलिजेंट गेसिंग सिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो आप सबके लोने वाला है। जेई के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आई थिंक 24 फरवरी 2021 का पेपर का, चारों के चारों क्वेश्चंस, दो यहाँ पर मैथ्स के और दो यहाँ पर फिजिक्स के, सब एक ही पेपर के आए हुए क्वेश्चंस हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखने में, है ना। कई बार क्या होता है ना, जेई के अंदर में आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, आप मैक्सिमम बच्चे यार 30-40% पेपर सॉल्व करते हैं बाकी छोड़ के आ जाते हैं। तो ये जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स है ये आपको हेल्प करता है कि यार जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको आप किस तरीके से अटेम्प्ट करते हो जिससे कि आपका स्कोर इंक्रीज हो सके। सपोज कर ले चार क्वेश्चन हम लोग यहां पर अटेम्प्ट करेंगे तो मेक श्योर हो कि चार में से दो तो हमारा सही हो, उस माइंडसेट के साथ में हम लोग जो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं। हम लोग इसमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, इंटेलिजेंट गेस करेंगे और बहुत सारी चीजें करेंगे, डायग्राम अप्रोच यूज करेंगे जो आप लोगों को समझ में आएगा। डायग्राम अप्रोच क्या होता है, हम लोग डायग्राम जैसे वाला क्वेश्चन है, ठीक है, y = x² + 4, तो बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, x² इक्वल टू वाई टाइप का पैराबोला है, x² इक्वल टू वाई मतलब इस टाइप का पैराबोला होता है, ये होता है x² इक्वल टू वाई, y² इक्वल टू x ये वाला होता है, y² इक्वल टू -x ये वाला होता है और x² इक्वल टू -y ये वाला होता है। तो हमें कौन सा पैराबोला चाहिए, y x² इक्वल टू वाई वाला, ये वाला, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ना y -4 इक्वल टू x², तो बेसिकली 4 से शिफ्ट हो जाएगा, है ना, x² इक्वल टू y -4 लिख सकते हैं इसको, तो ये क्या होगा 4 से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है हमारे पास में 0.4 पे आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप जैसे ही x को 0 लोगे तो y की वैल्यू 4 हो रही है, तो ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c का, इसका जो स्लोप है वो है 4 और जो y इंटरसेप्ट है वो है -1, पॉजिटिव स्लोप है। तो ये -1 इंटरसेप्ट से पॉजिटिव स्लोप, ये कुछ इस तरीके का हमारे पास में कुछ एक स्ट्रेट लाइन होने वाला है, रफ स्ट्रेट लाइन मैंने बना दिया। तो ये क्या है बेसिकली, ये हमारा क्या है, ये हमारा है डायग्राम, हमने क्या डायग्राम बना लिया। अब एक बार बताओ, अगर इस डायग्राम को हम लोग देखें, ठीक है, ये ग्राफ डायग्राम हमने यहां पर बना लिया, आप चाहो तो और एग्जैक्ट भी बना सकते हो, अगर आप इसके स्लोप को एग्जैक्टली 4 रख दोगे तो। एग्जैक्टली 4 कैसे रखोगे, आप वाई में देखो 4 और एक्स में देखो 1, है ना, वाई में जब 4 यूनिट्स जाएगा तो एक्स में 1 यूनिट जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा स्लोप, ठीक है, मतलब जैसे अगर आपको देखना है स्लोप 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो जब वाई में 4 यूनिट जाएगा तो एक्स में 1 यूनिट जाएगा, ठीक है, फिर अगला आएगा 1 2 3 4 और 8, ठीक है, तो ये इस टाइप का होगा स्लोप, ये इस टाइप का होगा, समझ रहे हो। ये आप देखोगे परपेंडिकुलर बाई बेस 4:1, परपेंडिकुलर बाई बेस 8:2, मतलब जो रेशियो आ रहा है वो 4 के बराबर आ रहा है, समझ रहे हो आप। तो ये इस तरीके से आप और डीप में भी डायग्राम को बना सकते हो चाहो तो, मैं अभी आपको रफली फील करा दिया हूं, ठीक है, कुछ नहीं करना है, 4 यूनिट ऊपर जाना है, 1 यूनिट नीचे आना है, तो ये आपका क्या होगा 4x,
जो स्लोप है ना m इक्वल टू 4 वो बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके के शेप का आपका जो है और एग्जैक्ट अगर बनाएंगे तो थोड़ा सा और इस तरफ टिल्टेड होगा, ठीक है। अब इसका जो भी क्लोजेस्ट पॉइंट है वो आपको देखना है, ठीक है। तो वो ऑब्वियस सा बात है कि 3, 13 कुछ ज्यादा ही ऊपर हो जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा ही ऊपर हो जा रहा है। चलो उसको छोड़ दो, आप अगर ध्यान से देखोगे तो -2.8 तो नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, क्लोजेस्ट पॉइंट तो राइट में ही होगा जो भी होगा, है ना, जो भी क्लोजेस्ट पॉइंट होगा, एक डायग्राम ऐसा है क्लोजेस्ट पॉइंट यहां पे कहीं होगा, राइट। तो आप -2.8 को काट सकते हो क्योंकि वो तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, ये तीनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन 2.8 और -2.8 दोनों सिमिलर ऑप्शन है, तो आपको जो तुक्का लगाना है वो क्या लगाना है, आपको डी ऑप्शन तुक्का लगाना है। क्यों? क्योंकि ए और डी में से आंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ए को हम लोग एलिमिनेट कर चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, डी को तुक्का लगाएंगे। रीजन समझ लो, हमें दो बार सिमिलर ऑप्शंस दिखे, जब भी हमें दो बार सिमिलर ऑप्शंस दिखेगा ना तो उसमें आप तुक्का लगाने का ट्राई किया करो, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी हाई आंसर होने की। टीचर ने क्या किया, एक -2.8 भी दिया और एक 2.8 भी दिया, जब टीचर आपको दो ऐसे सिमिलर ऑप्शंस देता है तो आप उसी में से तुक्का लगाया करो, चांसेस बहुत हाई होते हैं सही होने की, क्योंकि टीचर की साइकोलॉजी के साथ आप खेलो। टीचर जब क्वेश्चन बना रहा था, जब ऑप्शन बना रहा था, तो उसके दिमाग में 2.8 का जो ऑप्शन है वो बार बार घूम रहा था, जब भी उसने दो बार ऐसे ऑप्शन दिए, राइट। अब उसमें नेगेटिव वाला तो हो नहीं सकता, तो आप पॉजिटिव वाले को तुक्का लगा दो, इसमें सही होने के चांसेस आपके क्या होंगे, बहुत हाई हो जाएंगे, क्लियर है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन को देखो, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, लिटरली आपका दिल बोलेगा हड़प्पा, ठीक है, इतना ज्यादा आपको मजा आएगा। ये क्वेश्चन है, इसका पॉसिबल वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, √63 अप्रोक्सीमेटली क्या है, √64 से थोड़ा सा कम है ना, मतलब कि ये जो वैल्यू है √63 की, ये क्या होगा, 8 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो साइन इनवर्स समथिंग लेस देन 8, लिटिल लेस देन 8 डिवाइडेड बाई 8 क्या होगा, ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, वेरी लिटिल लेस देन 1 है ना। √64 होता तो 8 होता, √63 मतलब 8 से थोड़ा सा कम, तो 8 से थोड़ा सा कम को डिवाइड करेंगे 8 के साथ में, तो 1 से थोड़ा सा कम आएगा, 1 से थोड़ा सा कम आएगा तो 90 डिग्री से थोड़ा सा कम आएगा ये पूरा वैल्यू, क्योंकि साइन 91 होता है ना, उससे थोड़ा सा छोटा होगा तो आंसर 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि देखो साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 90 से थोड़ा सा कम होगा ना, जब 1 से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है 0 से 1 में, 0 टू 90 में, तो एक अप्रॉक्स हम 80 डिग्री मान लेते हैं, रफली एक रफ एस्टिमेशन, एक तुक्का है, अंदाज 80 डिग्री के आसपास, 80 डिग्री हो जाए, चाहे 85 डिग्री हो जाए, चाहे 75 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। अच्छा, अब अगर हम लोग उसका 1/4 करेंगे, तो 75 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 22 डिग्री के आसपास अप्रोक्सीमेटली, राइट, 18 डिग्री के आसपास अप्रोक्सीमेटली, और 80 डिग्री का हाफ करेंगे तो 20 डिग्री के आसपास आएगा अप्रोक्सीमेटली, और 85 का हाफ करेंगे तो कुछ 21 डिग्री के आसपास आएगा अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्स मैंने बताया, इस रेंज में आएगा। क्या किसी भी हाल में ये वैल्यू जो आई है 1/4 करने पर, क्या ये 45 डिग्री से ज्यादा है, नहीं है, है ना। अगर पूरा 90 भी ले इसको तो भी 1/4 करेंगे तो 45 डिग्री से कम होगा, तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है इसकी वैल्यू साइन इनवर्स की 90 से थोड़ी सी कम है, उसको 1/4 करेंगे तो 45 से कम आएगी डेफिनेटली, और 45 से कम अगर आ रही है तो ये जो पूरा टैन का वैल्यू है ये 1 से छोटा होगा डेफिनेटली, क्योंकि टैन 45 की वैल्यू कितनी होती है, टैन 45 की वैल्यू 1 होती है, और टैन 0 की वैल्यू कितनी होती है, टैन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो फॉर श्योर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ओवरऑल टैन की जो वैल्यू आएगी, बिकॉज ये जो हमारे पास में यहां का सिचुएशन बन रहा है वो 45 डिग्री से कम बन रहा है, ये इस तरीके की कुछ वैल्यूज हमारी बन रही है रफली, तो अगर हम लोग उसका टैन लेंगे तो आंसर हमारा 1 से छोटा होगा। तो 1 से बड़े वाले सारे ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दो, जैसे कि √7 -1, √7 की वैल्यू क्या है, 2.something -1, तो ये 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है तो इसको आप काट दो, ये एलिमिनेट हो गया। √2 -1, √2 मतलब 2 × 1.4, 2.8 - 1, 1.8 के आसपास आ रहा है तो ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी, इसको आप काट सकते हो। ये दोनों वैल्यू जो है ना, ये 1/√2 और 1/√7, ये दोनों वैल्यू में से आप तुक्का लगा सकते हो। तो यहां पर क्या, आप ए और बी में से तुक्का लगाओगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टीमेट जुगाड़, ऑप्शन एलिमिनेशन का टेक्निक है। हमने क्या करा, दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया हमारे जुगाड़ से, ठीक है। अब इन दो में से आप तुक्का लगाओगे तो प्रोबेबिलिटी आपकी काफी हाई है सही होने की। तो अगर आपको आंसर नहीं आता सॉल्व करना तो भी आप जुगाड़ लगा के ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रही है?
इस क्वेश्चन को देखो, यहां अगर आप देखोगे तो कैसे आप तुक्का लगाओगे, आप देखो ध्यान से, आपको दो ऑप्शन रेसिप्रोकल दिख रहे हैं, जब भी आपको रेसिप्रोकल दिख जाए ना तो बहुत हाई चांसेस है कि उसमें से आपका आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि टीचर के दिमाग के साथ खेलो, टीचर की साइकोलॉजी समझो, जो भी टीचर क्वेश्चन बनाया उसने रेसिप्रोकल दिया, कोई भी टीचर रेसिप्रोकल क्यों देगा, वो आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है। टीचर आपको 4:1 भी दे दिया, 1:4 भी दे दिया, क्यों दिया, वो आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है, वो आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन ये खिलवाड़ करते वक्त उसने आपको ये बता दिया कि बेटा आंसर इन दो में से होने के चांसेस बहुत कम है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है समझ लो करेक्ट आंसर उसी में से छुपा है। टीचर आपको जिन ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है समझ लो करेक्ट आंसर उसी में से छुपा है। टीचर आपको 4:1 और 1:4 में कंफ्यूज कर रहा है तो करेक्ट आंसर उसी में से छुपा है। अब सवाल आता है कि सर बी मार्क करे या सी मार्क करे? यहां पर आप बी मार्क करो, क्यों? क्योंकि तीन ऑप्शन आप देखो कि 4:2 मतलब न्यूमरेटर बड़ा है, यहां भी आप देखो 4:1 न्यूमरेटर बड़ा है, यहां पे भी देखो 4:3 न्यूमरेटर बड़ा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है 1:4 जहां पर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो तीन ऑप्शन जो है वो 4 से शुरू हो रहे हैं। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखोगे तो 4:2 दिया हुआ है, इसको 2:1 लिखा जा सकता था बट नहीं लिखा गया, 4:2 ही लिखा गया। इसका मतलब बहुत हाई चांसेस है कि हमारा न्यूमरेटर में 4 आएगा। तो आप क्या करोगे, यहां पर बी को तुक्का लगाओगे कि यहां पर बहुत हाई चांसेस है। टीचर के दिमाग के साथ खेलो, जिसने क्वेश्चन बनाया है, जिसने ऑप्शंस बनाया है उसके दिमाग के साथ खेलो, आपको फील आएगा कि भाई हां यहां पर जो है 4 हमारे पास में न्यूमरेटर के अंदर में हो सकता है, क्योंकि बार बार तीन ऑप्शन में आपको यहां पर 4 दिखा है। राइट, लास्ट क्वेश्चन यहां पर देख लो, कभी भी आपको लंबा ऑप्शन दिख जाए स्टेटमेंट्स के अंदर में, अगर आपके पास में क्वेश्चन है, गो विद द मोस्ट लंबा ऑप्शन, जो भी आपके पास में सबसे लंबा ऑप्शन है आप उसको तुक्का लगाओ, क्योंकि लंबा ऑप्शन देना कई बार टीचर की मजबूरी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा लंबे ऑप्शन सही होंगे, डेफिनेटली आप गलतियां भी करोगे इसमें, लेकिन जो मेथड्स मैं आपको सिखा रहा हूं उसमें ये मेक श्योर हो जाएगा कि आप 4 में से 2 या 3 एटलीस्ट सही कर लोगे। मतलब वर्स्ट केस में भी आप यहां पर देखो 2 तो सही कर ही लिए, एक्चुअली 3 सही हो गया यहां पर, ठीक है, ये भी सही हो गया, इसका भी आंसर डी है। सेकेंड वाला ए और बी में से 50-50 प्रोबेबिलिटी है। थर्ड का आंसर बी है हमारे पास में, ठीक है, थर्ड का आंसर बी है, ये भी सही हो गया और ये लंबा ऑप्शन वाला भी सही हो गया। मतलब इन मेथड्स को अगर आप यूज करोगे तो आप देखो 4 में से 3 तो आपने श्योर शॉट सही कर लिए, और इसका जो आंसर है ये है 1/√7। सॉल्व करके आप लोग चेकआउट कर लेना, ठीक है, मैंने सॉल्व नहीं किया, मैं आंसर की आपको बता रहा हूं। तो इसका आंसर हमारे पास में बी दिया हुआ है, ठीक है, बाकी का डी बी ए, इसका डी, इसका बी, फिर हमारे पास में इसका बी और इसका ए। तो लंबा ऑप्शन क्या होता है, टीचर की मजबूरी होती है, अगर आपको लंबा ऑप्शन दिख जाए तो कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं कि आपका लंबा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका मैं साइकोलॉजिकल रीजन समझा देता हूं। जब भी कोई टीचर क्वेश्चन बनाता और ऑप्शन बनाता है ना, तो मतलब इंडिया में सब आलसी है, आप भी आलसी हो, मैं भी आलसी हूं, टीचर्स भी आलसी होते हैं बहुत सारे, मतलब बहुत सारे होते हैं, सारे नहीं बट बहुत सारे। तो अज्यूम कर ले एक ह्यूमन साइकोलॉजी कि आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाना है और 4 ऑप्शन भी डालने हैं, तो आप कोशिश क्या करोगे कि भाई छोटे छोटे हो और फटाफट से निपट जाए, ठीक है ना, लेकिन एक ऑप्शन आपको बहुत लंबा दिखता है बाकी 3 छोटे दिखते हैं, तो समझो हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा कि टीचर जब क्वेश्चन बना रहा था तो वो 3 ऑप्शन तो छोटे छोटे निपटा दिया, लेकिन एक ऑप्शन है जो उसको ना चाहते हुए भी बड़ा रखना पड़ा, क्योंकि आंसर वही था, उसको तो वो एलिमिनेट कर ही नहीं सकता। तो कई बार टीचर्स क्या करते हैं, एक ऑप्शन जो एक्चुअल में आंसर है वो तो उनको रखना ही पड़ता है, लेकिन जो बाकी ऑप्शंस होते हैं ना वो जल्दी जल्दी में छोटे छोटे चूज कर लेते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये जो तरीका है कभी कभी आपके लिए गलत भी हो सकता है, ठीक है, कभी कभी आपके लिए गलत भी हो सकता है, बट 10 में से 6-7 बार आप देखोगे लंबा ऑप्शन ही स्टेटमेंट्स के अंदर में करेक्ट होता है। तो कभी भी स्टेटमेंट आए आपको तुक्का लगाना हो, बेस्ट ऑप्शन क्या है, लंबा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी हाई होता है लंबा ऑप्शन होने का, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टीचर की मजबूरी होती है कि वो उस लंबा ऑप्शन को रखना पड़ा उसको, ठीक है। अगर आप इस तरीके से सोचोगे तो आपको समझ आएगा। ओपन माइंड के साथ में अगर ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखोगे, फील आ रहा है आपको कि हाँ यार मजा आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा, जा करके प्लेलिस्ट को देखो, बहुत सारे वीडियोस देखो, दिमाग पूरा खुल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ यार ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपके लिए हेल्पफुल है, आपके एग्जाम में आपके नंबर बढ़ा सकता है, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के साथ साथ जो हमारा एक्सक्लूसिव पेड कोर्स है, अभी 2023 वाले बच्चों के लिए पेड कोर्स चल रहा है, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। काफी अच्छा कोर्स होगा वो, और काफी ज्यादा कुछ उससे आप सीखोगे, पूरा माइंडसेट आपका चेंज हो जाएगा, और उसमें सारे लेटेस्ट पेपर्स कवर होते हैं, सारे के सारे लेटेस्ट पेपर्स जो होते हैं वो कवर अप होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आप लोग एनरोल कर सकते हो, अभी बेस्ट टाइम है एनरोल करने का, और आपका इंप्रूवमेंट काफी ज्यादा हो जाएगा। अगर आपका 80, 100, 120 इस रेंज में जेई मेन में स्कोर अटक रहा है, तो आप वहां से 170, 180, 190 इस रेंज में ले जा सकते हो, अगर आप सारी चीजों को फॉलो करोगे तो, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है, चलो। तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।